तो भाई इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गोस्ट टच को किस तरह से टोटली फिक्स कर सकते हो। और बार हमारे चैनल पे बहुत कम परसेंट व्यूअर्स ही वीडियोस को देख के चैनल को सब्सक्राइब कर रखे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यार जिनको नहीं पता गोस्ट टच के बारे में, तो यार मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि यार मैं यहाँ पर लेफ्ट फायर बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन वार्क मेरा यहाँ पर क्राउच बटन कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होता ही होगा कभी ना कभी। तो भाई गोस्ट टच को फिक्स करने का सबसे पहला नंबर टिप है कि आपको अपने बटन को थोड़ा थोड़ा दूर में रखना है, ताकि आपके बटन के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो। गोस्ट टच को फिक्स करने का यहाँ पर सेकंड नंबर जो टिप बन जाता है वो है कि आपको अपने बटन का साइज छोटा कर देना है। इससे आपके बटन के बीच में ऑटोमेटिक एक स्पेस जनरेट होगा और आप अपने बटन को बहुत इजीली क्लिक कर पाओगे। और यार गोस्ट टच को फिक्स करने का यहाँ पर थर्ड नंबर जो टिप बन जाता है वो है कि आपको अपने बटन का ट्रांसपेरेंसी हाई कर देना है। इससे आप अपने बटन को अच्छे से देख पाओगे और इजिली क्लिक भी कर पाओगे। अब यहाँ पर गोस्ट टच को फिक्स करने का फोर्थ नंबर जो टिप बन जाता है वो है आईफोन। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आईफोन के अंदर आपको बिल्कुल भी गोस्ट टच देखने को नहीं मिलता। अगर आईफोन अगर आप यूज करते हैं तो आईफोन के अंदर आपको बिल्कुल भी गोस्ट टच देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ नंबर गोस्ट टच को फिक्स करने का ट्रिक बन जाता है वो है आपका कस्टम मोड। जी हाँ गाइस, अगर आपका कस्टम मोड ही अच्छा नहीं होगा तो यार आप अपने गोस्ट टच को फिक्स ही नहीं कर पाओगे। इसलिए इस वाले वीडियो को देख के आप अपने हिसाब से बेस्ट कस्टम मोड बना सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी दिया गया है। और अगर आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।